गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास, मैं आप लोगों के लिए यूनिट फर्स्ट नंबर सिस्टम स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। आप एट्थ क्लास में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के नंबर पढ़ चुके हैं, जैसे इवन नंबर, ऑड नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, ठीक है। उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों के लिए इस एक्सरसाइज में होंगे। तो अपन स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इज जीरो आर रैशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक। तो रैशनल नंबर मतलब जो फ्रैक्शन आप लोगों ने 8th क्लास में पढ़े हैं, जो अपॉन में रहते थे, उसी को अपन यहां क्या कहते हैं, रैशनल नंबर, ठीक। तो हमने ये कहा है कि 0 एक रैशनल नंबर है, अगर है तो उसको अपन p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं, एंड p और q आर इंटीजर्स, मतलब p और q इंटीजर हो सकते हैं, नेगेटिव में भी और पॉजिटिव में, ठीक है। q does not is equal to 0, मतलब q की वैल्यू कभी 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो इसका आंसर होगा यस, यस 0 is a रैशनल नंबर, ठीक है। 0 एक रैशनल नंबर है, इसका आंसर क्या होगा, यस। इसको अपन ऐसे राइट कर सकते हैं 0 upon 1, ठीक है। 0 को अपन कैसे लिख सकते हैं, 0 upon 1, जैसे मैंने यहां लिखा 0 upon 1, ठीक है। इसको मैं 0 upon 1 लिख सकता हूं, इज इक्वल टू यहां लिख दूंगा p और यहां q, ठीक है। तो p की वैल्यू कितनी होगी, 0, और q की वैल्यू क्या होगी, 1, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हुआ, यस 0 इज अ रैशनल नंबर। हमने पूछा कैन यू राइट, तो अपन लिखेंगे यस, यस हम लिख चुके हैं, यस वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ p upon q, मतलब 0 इज इक्वल टू 0 और अपन नंबर लिख सकते हैं। सो द वैल्यू ऑफ p इज 0 एंड द वैल्यू ऑफ q इज 1, तो जैसे अपन ने p upon q के फॉर्म में लिख दिया और q की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, मतलब ये अपना आंसर क्या है, सही है। तो आपको फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर बस इतना ही लिखना है, यस 0 इज अ रैशनल नंबर, वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ p upon q इस टाइप से, ठीक है। तो ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, नेक्स्ट वीडियो